हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज छठ पूजा का दिन है तो आज देखिए सुपर सिंह लगे हुए हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं स्वीटी, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रियल लाइफ। तो छठ पूजा के दिन गुड़ वाली पूरी और मतलब उसे ठेकुआ भी बोलते हैं और वो और पूरी बनता है, तो उसके लिए तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पर गर्म पानी में मीठा को घुला दिए हैं और उसे घुले हुए पानी में जो मीठा घुला हुआ है उसी से आटा लगा रहे हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा बनता है सब, तो बहुत मेहनत हो जाता है। अभी करीब 9:30 हो रहा है तो अभी से ही सब तैयारी में लगे हुए हैं, तो सब साफ सफाई करके सब बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बन रहा है। तो सब लोग काम में लगे हुए हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं अपना जो भी सुबह का खाना पीना था वो मैं कर ली हूँ और भी ये हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सब आटा लग गया है और यहाँ फल भी आ गया है सब। अब यहाँ ठेकुआ बनेगा, तो इसके सांचा में पहले ठेकुआ बनाया जा में ऐसे सांचा पे बना देने के बाद फिर इसे फ्राई करेंगे तेल में। तो ये मम्मी फ्राई कर रही है, तो देखिए ठेकुआ कितने अच्छे फूले फूले बनेंगे। अब ऐसे भी इसे बना के खा सकते हैं। तो देखिए ठेकुआ कितने अच्छे बन रहे हैं, और ऐसे ही सारे ठेकुए बनेंगे और उसके साथ पूरी भी बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ठेकुआ बन गया है, लगभग इतना बन गया है। अब मैं जा रही हूँ कुछ और काम करने, फल वगैरह धोने। तो यहाँ पे बन रहा था ठेकुआ, तब तक मैं फल वगैरह सब धो ली थी। और साथ ही मैं कोसी के लिए मैं बेदी बना रही हूँ, तो यहाँ मिट्टी से एक गोल सा बनाएंगे बेदी। और यहाँ पे मम्मी पूरी बना रही है, तो पूरी भी बन जाएगा, उसके बाद सब तैयारी करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से सब पूरी ठेकुआ सब बन गए हैं। अभी थोड़ा सा बाकी है, वो बन रहा है। और सब कुछ बनाने के बाद यहाँ पे मम्मी क्या करेगी, सब अर्घ जो देते हैं उसको अलग अलग सब फल और जो पकवान बना था उसको डालेगी अलग अलग करके, और इसमें कल सुबह में रखे जाएंगे। अब सब लोग रेडी हो के अब जा रहे हैं लोग घाट पे, तो दौरा जो होता है वो लेके जा रहे हैं सब भाई सब मेरे। तो हम लोग सब घाट पे जा रहे हैं। ये मेरा गांव है, छोटा सा प्यारा सा गाँव देखिए, और यहाँ पर हम लोग घाट पर जा रहे हैं। तो घाट पर पहुँच गए हैं, यहाँ पहले से बहुत सारे गांव के लोग आए हुए हैं। तो पहले जाने के टाइम ही हम लोग पहले घाट पे जाते हैं, शाम का जो अर्घ होता है जाते ही सूरज भगवान का अर्घ देते हैं। तो मम्मी पानी में चली गई है और वहाँ आप देखिए क्या क्या होता है। और मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ, मम्मी घाट पे सिंदूर लगाएगी, उसके बाद मैं मम्मी को सिंदूर लगाऊँगी, चाची लोग को लगाऊँगी। आप सब देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे पूजा हो रहा है छठ पूजा का। जितने भी दौरा में सामान है, फल और पकवान वगैरह, उसको भी मैं सिंदूर से टीका लगाऊंगी। सारे चीज़ को मम्मी बता रही है, तो मैं वही कर रही हूँ, सारे चीज़ को मतलब टीका लगाऊंगी। उसके बाद मम्मी को एक एक कलसुप जो है वो हाथ में देंगे, हम लोग पकड़ाएंगे बारी बारी से, मैं और भैया। और मम्मी सूरज भगवान को अर्घ देगी, सब लोग अर्घ ऐसे ही देते हैं शाम को सूरज भगवान को। उसके बाद भैया जाके फिर भैया देंगे। ऐसे ही सब लोग अर्घ देते हैं शाम को सूरज भगवान का।
रख देने के बाद फिर जल दिया जाता है, और जल देने के बाद अब आ जाएंगे सब लोग घाट पे जहाँ छठ पूजा का मूर्ति है, वहाँ पे छठी मैया का, वहाँ पे आ गए लोग अगरबत्ती और सिंदूर और अक्षत लेके, जितने भी मतलब मूर्ति है उन सारे मूर्ति को टीका लगाऊंगी और अगरबत्ती दिखाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी और अक्षत डालूंगी सारे मूर्ति पे, बारी बारी से ऐसे ही करूँगी मैं। बाकी जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक ऐसे ही सब लोग बैठेंगे, पूजा करेंगे और गाना गाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वहाँ तक पूरा छठ पूजा हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़े दूर में होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। छठ का दिन हम लोग मतलब एक साल इंतज़ार करते हैं छठ पूजा के लिए। और देखिए बहुत सारे लोग हैं, पूरा गांव के लोग हैं, सब अच्छे अच्छे ड्रेस वगैरह सब पहन के आते हैं सज संवर के, और यहाँ पे बच्चे पटाखे उड़ा रहे हैं। तो देखिए बच्चे का शैतानी सब जगह रहता है, तो यहाँ कैसे कैसे ये बच्चे पटाखे उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे एक और नियम होता है, पानी में मतलब खड़े रहते हैं, जब तक सूर्यास्त ना हो जाता तब तक कोई मतलब कुछ मन्नत मांगता है तो मन्नत पूरा होता है, तो पूरा वैसे ही पानी में खड़े रहते हैं। अब शाम का अर्घ भी हो गया है और हम लोग जा रहे हैं घर पे। घर पे जाने के बाद कुछ और भी बाकी है, कोसी का काम है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैं बेदी बनाई थी उस पर कोसी भरे जा रहे हैं, तो उस पर मैं अच्छा तो एक पूरी और एक ठेकुआ जो है उसको सब मैं रख रही हूँ, फिर दिया जलाऊंगी और सब यहाँ पे फल वगैरह सब रखते हैं। उसके बाद जो घर के जो बच्चे होते हैं या कोई मतलब जेंट्स होता है, जो भी हो बच्चा या बड़े, वो ईंख से कोसी भरेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स कैसे कोसी भरा जाता है, सब में दिया वगैरह सब जला दिए अच्छे से। और देखिए घाट से आने के बाद यही होता है यहाँ पे। कोसी भरने के बाद ऐसे ही ऊख से ईख जो होता है उससे पांच या सात ईख से चारों तरफ फैला देते हैं, ऐसे बीच में फल वगैरह सब डाल के कपड़े में बांध के। और ये कोसी भरा गया, कुछ देर रहेंगे यहाँ पे, फिर सुबह के शाम, अभी सुबह का बज रहा है 2 और 2 बजे हम लोग गए हैं छठी माता के पास, जहाँ हम लोग मूर्ति के पास पूजा करने गए थे, वहीं पे जो कोसी शाम को भरे थे वही कोसी एक बड़े से बर्तन में ले लिए हैं और कोसी को ऐसे ही लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे ऐसे कोसी भरते हैं। पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, वो सब भी कोसी भरे हुए हैं ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से जगमगा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वहाँ से आने के बाद हम यहाँ खाना बना रहे थे, तो चावल बना दी हूँ मैं, सब्जी बना रही हूँ, तो मिक्स सब्जी बनता है, सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है, आज के दिन तो सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फिर नहा धोवा के रेडी होके फिर गई, सब मम्मी पहले ही चली गई थी, और वहाँ बैठते हैं जाके सब, 4 बजे ही चले जाते हैं, फिर सूर्योदय हो गया है, मैं लेट से गई थी थोड़ा खाना वगैरह बना के। तो यहाँ पे मम्मी फिर अर्घ दे रही है, तो अब जो सूर्योदय होता है ना उस सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं सुबह के टाइम, तो सब यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं। उसके बाद सब अर्घ दे देंगे, फिर आके वहाँ पर गर्म पानी चाय वगैरह पीते हैं, फिर ऐसे सब लोग घर पे चले जाते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छठ पूजा, छठी माता आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करे। और यहाँ पे सब लोग अर्घ दे रहे हैं, अर्घ में सुबह सुबह जो अर्घ होता है उसमें दूध डाला जाता है, तो भैया यहाँ पे सबके कलशुप में दूध डाल रहे हैं। और ऐसे ही सुबह सुबह में तो नाक से सिंदूर सब लगाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, नाक के ऊपर से सिंदूर लगाते हैं लोग। तो ऐसे ही छठ पूजा का समाप्त हुआ, और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी छठ पूजा का। और फिर अगले साल का इंतज़ार रहेगा छठ पूजा का, तो आई होप सब अच्छे होंगे, आप सबको देख के अच्छा लगा है।
तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखिए सब लोग हम लोग सूर्य भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं और उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। फिर घर पे आके क्या होना है, वही खाना पीना खाएंगे, फिर साफ सफाई करेंगे और आराम करेंगे। ऐसे ही सब लोग जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, लव यू।